नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। बिजनौर जिले के मंडावर इलाके में एक दलित परिवार को दबंगों द्वारा नल से पानी न भरने देने व पीड़ित के पलायन की खबर समाचार पत्रों में प्रकाशित होने से नाराज होकर पुलिस प्रशासन ने दो नामजद सहित पांच पत्रकारों के विरुद्ध संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस की दमनात्मक कार्रवाई के विरोध में जिले के पत्रकार लामबद्ध होकर एक मंच पर आ गए हैं और 8 सदस्यीय समिति का गठन कर आंदोलन का निर्णय लिया है। मंडावर इलाके के गांव में बसे दबंगों ने एक बाल्मीकि परिवार को सरकारी नल से पानी भरने से रोक दिया था। इस मामले की शिकायत पीड़ित परिवार ने पुलिस से की, तब पुलिस ने मामले में 3 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की, लेकिन दबंगों का उत्पीड़न बराबर जारी रहा, जिससे परेशान होकर पीड़ित अपने मकान पर मकान बिकाऊ है का स्लोगन लिखकर पलायन की चेतावनी दे दिए। मामले की खबर जब पत्रकारों को लगी तो उन्होंने समाचार पत्रों में खबर का प्रकाशन किया। पुलिस समाचार पत्रों में खबर छपने पर नाराज हो गई। पुलिस को अपनी छवि नकारात्मक दिखनी शुरू हो गई। इसका प्रभाव मानते हुए दो नामजद सहित 5 पत्रकारों के विरुद्ध संगीन धाराओं में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। मामला दर्ज होने पर जिले के पत्रकारों में आक्रोश व्याप्त हो गया। पुलिस की कार्रवाई के विरोध में पत्रकार एजाज अली व अन्य एक जगह पर एकत्रित हुए और प्रशासन की इस कार्रवाई को प्रेस की आजादी पर हमला मानते हुए अभिव्यक्ति की आजादी को बचाने के लिए आर पार की लड़ाई का बिगुल बजा दिया। पत्रकारों ने प्रशासन के उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन भी किया, जो इस प्रकार के मामले से निपटने के लिए चरणबद्ध आंदोलन चलाएगी। उत्तर प्रदेश में नोएडा, उसके बाद फिर मिर्जापुर और आजमगढ़ के बाद बिजनौर में पुलिस प्रशासन ने पत्रकारों के विरुद्ध इस तरह की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की है। दर्ज मुकदमा दर्ज किया गया है मंडावर थाने में दो पत्रकारों के ऊपर, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये है, 4 तारीख को करीब रात्रि 8 बजे हमारे पास फ़ोन आया कि हम वाल्मीकि परिवार से बोल रहे हैं और हम बसी के गांव के रहने वाले हैं, अब कुछ पड़ोसी दबंगों ने हमारा पानी रोक दिया है, हमारा जो नल है वो ख़राब हो चुका है। हम अगले दिन उसकी रिपोर्टिंग करने पहुंचे तो उन लोगों ने अपने मकान पर लिखा हुआ था कि हम पलानी ऐसे करना चाहते हैं, यह मकान बिका हुआ है। तो हमने उसकी रिपोर्टिंग की, अगले दिन खबर प्रकाशित की। उसके बाद लगातार पीड़ित पक्ष हमको फ़ोन कर रहा है कि पुलिस मेरे ऊपर दबाव बना रही है कि तुमने अपने मकान के ऊपर ये क्यों लिखा है, और जिसने लिखा है वो जेल जाएगा। और इसके सारे सबूत हमारे पास है, पुलिस ने कब कब कहाँ कहाँ दबाव पीड़ित पक्ष पर बनाया है। पीड़ित पक्ष ने हमको बताया है कि तुम अगर बचना चाहते हो, जेल नहीं जाना चाहते फर्जी मुकदमे में, तो तुम पत्रकारों को का नाम लो कि पत्रकारों ने आपकी दीवार पर यह मकान बिकाऊ लिखा है। नहीं, ये सारी चीज़ गलत है, मीडिया ने जो खबर प्रकाशित की है ये पत्रकारों की आवाज़ को दबाने की एक साजिश है। पुलिस ने फर्जी मुकदमा लिखकर, ये जो हल्का दरोगा है उन्होंने शायद ये षड्यंत्र रचा है, और जो भी है सच सामने आएगा। हम चाहते हैं कि इसमें जांच हो और जो इसमें षड्यंत्र करता है उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि उन लोगों को सस्पेंड कर उनके खिलाफ़ मुकदमा लिखा जाना चाहिए और हमारा जो हमारे ऊपर जो फर्जी मुकदमा लिखा हुआ है वो वापस। क्या जिला प्रशासन पत्रकारों का उत्पीड़न कर रहा है? हाँ, जिला प्रशासन इस निश्चित रूप से इस घटना को देखते हुए कहा जा सकता है कि पत्रकारों का शोषण हुआ है, उत्पीड़न हुआ है, जो पूरे पुलिस प्रशासन की ओर से षड्यंत्र कर फर्जी पत्रकारों पर फर्जी मुकदमा यह दर्ज किया गया है। आज जो मीटिंग की गई है, क्या उत्तर प्रदेश में पत्रकारों पर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मिर्जापुर की घटना के बाद बिजनौर में पुलिस प्रशासन ने पीड़ित लोगों को इंसाफ दिलाने और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के बजाय उन पत्रकार साथियों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, जिन्होंने एक दलित परिवार को कुछ दबंगों द्वारा नल से पानी भरने के लिए रोका और उनके साथ मारपीट की। विडंबना ये है कि पुलिस ने इसी मामले में उन दबंगों में से 3 व्यक्तियों के विरुद्ध
कार्रवाई भी की और उसके बाद जब ये घटना समाचार पत्रों और टीवी चैनलों के माध्यम से प्रकाशित और प्रसारित हुई तो पुलिस प्रशासन ने अपनी खामियों पर पर्दा डालने के लिए हमारे दो साथियों सहित तीन अज्ञात पत्रकारों के रूप में मुकदमा दायर किया है, जिसके विरुद्ध बिजनौर का प्रेस जगत, बिजनौर के समस्त पत्रकार साथी, चाहे वो प्रिंट मीडिया से हों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हों, चाहे वे स्वतंत्र पत्रकार हों या किसी संगठन या किसी संस्थान से जुड़े हुए, सब एकजुट हैं, क्योंकि हम इसे प्रेस की आज़ादी पर हमला मानते हैं, हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इसको हमला मानते हैं और न सिर्फ पत्रकारों पर अपितु आम लोगों के जनतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों पर इस हमला मानते हैं कि आम आदमी की आवाज़ को कुचलने के लिए, दबाने के लिए प्रशासन ने पत्रकारों के विरुद्ध ये कार्रवाई की है। हम सब एकजुट होकर आज यहाँ 7 सदस्यीय संघर्ष समिति का गठन किया गया है। हम सब मिलकर पुलिस प्रशासन की इस उत्पीड़नात्मक और दमनात्मक कार्रवाई के विरुद्ध संघर्ष करेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो इसके लिए आंदोलन भी किया जाएगा। इसलिए हम ये हवेली बेच कर जाना चाह रहा है सभी सदस्य। क्या परेशानी है, क्या कह रहे हैं मोहल्ले वाले तुम्हें? क्या कह रहा है, बस ये लड़ाई दंगा मारपीट करी हमारे साथ। हमारे दो घर हैं, जो हजारों घर है, तो हमारे दो घर क्या कर लेंगे ये बताओ। बात ये है कि अगर हम रिपोर्ट करते हैं तो यूँ बोलते हैं कि थाने तो जाएंगे लेकिन मर्डर करके जाएंगे। मर्डर करके जाएंगे कि तुम्हारा मर्डर करना, जब जाएंगे जेल तो काटनी है लेकिन मर्डर करके। पूरा गांव एक तरफ है, तुम अकेले नहीं, ये मोहल्ला है बस, बाकी और सब। पानी की क्या समस्या है, नल कहाँ है? वो नल यो होगा, यो वाला सरकारी नल है, पानी नहीं भरने देते, एक ही नल है ये पूरे मोहल्ले में, एक ही नल है सरकारी। कब से चल रहा है ये मामला? ये मामला तो होगा 6-7 दिन, 6-7 दिन होगा। और लाइए बुड्ढा गुलाब का, 6-7 दिन से तुम्हें पानी नहीं भरने जा रहे उस नल से? घर पर आए हैं, वे आए थे मंडावर से, दौड़ा साहब ऐसा ने कहा था कि जब तक दूसरा नल नहीं भरने का है ये इस पर से पानी पियेंगे। हमारे बच्चे उच्चे जाना है तो हमारे बच्चों को बाल्टी फेंक देंगे खा दें। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।